तो आज माइनक्राफ्ट में मैं ज्वाइन करने वाला हूँ एक अमीरों का सर्वर, और वो सर्वर में उनके सारे काले पैसे हैं। वो सर्वर में हर एक बंदा बहुत अमीर है, लेकिन उनके पास एक बैंक है जहाँ पर उनका सारा काला पैसा है। तो क्या मैं वो ब्लैक मनी चुरा पाऊंगा, वो भी एकदम छोटा होकर? और ये छोटा होने की टेक्नोलॉजी किस किस के पास है वो मुझे पता नहीं है। तो मुझे टेक्नोलॉजी चुरानी है, छोटा होना है और खतरनाक चोरी करनी है। आज की वीडियो का लाइक है मैं 20,000, देखते हैं आप लोग कब तक कंप्लीट करते। यार लगता है अमीरों के टाउन पर पहुंच चुका हूं भाई, इधर आके बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं मुझे। लेकिन एक सेकंड, अरे पेट्रोल कम हो चुका है, ओ फ्यूल पंप हो रहा। तो एक मिनट उतरता हूं मैं भाई, मुझे लगता है ट्रैक्टर और आगे लेके नहीं जाना चाहिए मुझे। तो एक काम करते हैं, यहां से पकड़ते नोजल को और फ्यूल भरते कहां पर है यहां पर भाई, ट्रैक्टर उधार भी लिया मैंने। ओके ये है पेट्रोल भरने का, और भाई इतने पेट्रोल भर सकता हूं, ज्यादा पैसे नहीं दे रहे मुझे। तो इसको यहां पर लगा देते हैं, और मेरा वॉलेट देखो भाई कुछ पैसे ही नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है ये कुछ $1 का पेट्रोल भरा भाई मैंने। तो एक काम करते इधर फेंक देते, उठा के ले लेगा कोई विलेजर। भाई ये देखो विलेजर यहां का प्रेसिडेंट है। तो चलते भाई अपने टाउन की तरफ, वो जो विंड मिल है ना वहां से शुरू होता है टाउन। तो चलते जल्दी से और वहां पर एक घर वर खरीदते हैं पहले, और कुछ काम करना चालू करते हैं। यार कितना बड़ा घर है भाई, कौन रहता होगा यहाँ पर? मुझे लगता है टाउन हॉल है इनका। और एक सेकंड भाई वो कौन है भाई बाहर? रुक जा रुक जा यार, गाड़ी लगाता हूँ। तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लेकिन यार ये तुम लोगों का टाउन है क्या? और क्या भाई, यहाँ पे हम लोग काम करते यार, हम लोग मेयर के लिए काम करते यार, तुम कैसे यहाँ पर आए? अरे यार मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे भी टाउन में रहना और बहुत सारे पैसे कमाना है। तो मैं आ चुका हूँ काम करने के लिए। अरे यार डैश एक बात बताओ, तुम यहाँ पर आए तो हो लेकिन कौन से घर में रहोगे? अभी तो पैसे वैसे तो होंगे नहीं तुम पे। भाई घर तो मेरे पास पैसे थोड़े बहुत है, मुझे अच्छे घर दिखाओ यार टाउन में तो मैं रहना चालू करूँ। यार ये किसका है लेकिन? अरे भाई ये तो मेयर का है यार। तुम लोग का है, मेयर का है यार। तुम मेयर के लिए, मेयर के राइट हैंड बन चुके हो क्या तुम दोनों? ये मेयर राइट और भाई लेफ्ट हैंड है यार। इंस्टा लेफ्ट हैंड है भाई, लेफ्ट हैंड तो खैर किसी काम आता मुझे पता है, पर कोई तो बात नहीं छोड़ यार। पहले गिफ्ट रख, एक काम कर, ये शुगर केन यार, गिफ्ट में भी मीठा दे दिया तुम लोगों ने। चलो कोई नहीं, मुझे घर दिखाओ यार, आ जाओ। ट्रैक्टर ये छोड़ दूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ट्रैक्टर बहुत काम का है मेरे। अरे कुछ नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ। चलो भाई घर देखते हैं टाउन के। तो यार डैश भाई ये देखो, ये है हमारे टाउन का पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप क्या बात है, और दिखाओ यार मुझे, मुझे घर दिखाओ। ये सब क्या दिखा रहे हो? अरे दिखाता हूँ, ये जो है ना यहाँ पर डॉक्टर झटका रहता है। डॉक्टर झटका? अरे बहुत सुना हो भाई डॉक्टर झटका के बारे में मैंने। और आगे जो घर दिख रहे हैं वहाँ पर सारे नए सिटीजन रहने आए, तो वहाँ पर नए सिटीजन ही रहते हैं यार। एंस्टर यार बहुत ज्यादा लोग आ गए यार टाउन में, मुझे पता भी नहीं था, सबसे मिलूंगा मैं। लेकिन एक बात बताओ, वो अधूरा घर किसका है भाई? वो अधूरा छोड़ दिया किसी ने, कमाल है। अच्छा वो तो गरीब फ्लिक का है यार। अरे वो इधर क्या कर रहा है? उसको निकाल दिए थे ना पीछे टाउन से, वो यहाँ पर आ गया शायद। कुछ दिनों से पता नहीं घर बनाया जा रहा है खुद से, बन नहीं रहा इससे भाई, बन नहीं रहा। पैसे वैसे ही खत्म हो गए थे उसके पास, उसकी बहुत बुरी हालत चालू यार। वो तो होना ही था यार, वो पता नहीं इलीगल काम करता है। और ये अपार्टमेंट भाई, इधर तो लोग रहते हुए दिख रहे मुझे यार, इधर दिलवाओ ना यार एक फ्लैट। अच्छा सुनो मैं तुमको इसके बारे में भी बताता हूँ, इसके तीनों फ्लोर इक्विप्ड है, उसके सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, अच्छा वो $100 का है। $100? हाँ ज्यादा नहीं है यार, $100। मुझे यार वॉलेट देखने तो मेरा यार, ये हुआ $10, 15 भाई, 16, 17, 18। मेरे पास यार $100 तो नहीं है, कुछ और कर सकते हैं भाई, कुछ और जुगाड़ होगा ना यार। $100 नहीं है, मैं रहूंगा कहाँ पर आज? एक काम करो मेरे पीछे आओ यार तुम, तो ये देख रहे हो ये बांध देख रहे हो ना भाई, बांध में रहूंगा मैं। अरे एक मिनट, अरे तुम दोनों कहाँ से आ गए भाई, गरीब लोग? भाई तू गरीब? भाई तू गरीब किसको कह रहा है? मैंने सुना तेरी इतनी गरीबी आ चुकी, तो एक घर अच्छे से नहीं बना पा रहा है। नहीं नहीं यार मैं अपना बॉडी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना घर खुद से बना रहा हूँ यार, थोड़ा अच्छा बॉडी बन जाएगी ना उसके बाद। रुक फ्लिक तू, तेरे को तो अभी मैं बताता हूँ, ये मेयर को कॉल करके ना तेरे को यहाँ से निकलवाता हूँ मैं। अरे मेयर को खरीद चुका हूँ यार मैंने, वो तो बच्चा है मेरे सामने। लेकिन तुम बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो इधर, और तू कहाँ से आ गया यार? यार मैं नए टाउन में आऊँ रहने के लिए, पुराना वाला टाउन भाई पूरा बर्बाद हो चुका है। अच्छा तो तुझे यार नया घर चाहिए यहाँ पे? नया घर खरीदने आया हूँ, लेकिन भाई मेरे पास में उतने पैसे नहीं है यार, मेरी नौबत आ चुकी है बान हाउस में रहने की। अरे यार मैं तो खुद बान हाउस में रहता हूँ अभी रात को। लेकिन एक काम कर तू ना, मेरे बाजू में डर्ट का वो बना दे, मैं तुझे डर्ट दे देता हूँ भाई, डर्ट के झोपड़े में रहता हूँ। यार उसकी भी तो किराया लगता है इस एसएमपी में, मजा कर रहे तू यार? एक बात बान हाउस में कितना किराया? लेकिन देखो अभी के लिए तो एक महीने के $20 बनते हैं, बट तुमको $10 एडवांस देने पड़ेंगे। ये रहा एटीएम मशीन, निकाल के दे दो मुझे। नहीं भाई नहीं, एटीएम के तो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है भाई, बाद में बनवा लूंगा मैं। लेकिन मेरे पास वॉलेट में पैसे है यार, टेंशन मतलब इतना गरीब नहीं हूँ मैं। ये लो भाई $10। और फ्लिक तुम्हारे भी लाओ यार, तुमने पिछले महीने का भी किराया दे चुका हूँ भाई, मेयर को दे दिया मैंने, उससे जाके बात करो। ठीक है चलो मैं देखता हूँ यार। ठीक है डैश भाई तुम रहो, और कुछ दिक्कत आए तो बताना मैं, ठीक है? मेयर के साथ ही हम। ठीक है भाई चलो यार बढ़िया है। ये डैश गरीब के साथ रहना पड़ेगा मुझे, मैं तो यार अपना यहाँ से बेड तोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ यार बाजू में रहने के लिए, तू इधर सोते रहे। अरे जा भाई तुझे जहाँ पर जाना है, मैं थोड़ी ना यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, मजबूरी में रह रहा हूँ मैं। और यहाँ के एनिमल्स कहाँ गए? चलो कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि अब शाम होने वाली है और अगले दिन भाई काम पकड़ूंगा मैं कोई अच्छा सा। तो यार मुझे लगा था ये टाउन में रहकर मैं बहुत ज्यादा अमीर बनूंगा, लेकिन भाई कुछ और ही हो गया मेरे साथ। यार सुबह हो चुकी है यार, कुछ ज्यादा ही सो गया लगता है मैं। अबे ज्यादा सो गया भाई, आज की तो रात ही छोटी थी शायद। रात छोटी थी, उठ गया मैं भाई, साथ में तो तू मेरे बाजू में सोया था, रात क्या छोटी हो सकती है यार? लगता है तेरे दिमाग में नशा चढ़ गया है भाई। चले यार मैं तो जा रहा हूँ काम करने। एक मिनट, अभी वो लोग गन लेके क्यों आ रहे हैं? ये क्या बता,
यार क्या हुआ भाई, बंदूक लेकर क्यों आया तुम लोग? अरे यार तुम लोग भाग क्यों रहे लेकिन यहाँ से? भाई कौन भाग रहा है? अरे सुबह हुई है भाई, उठ रहा हूँ मैं तो। सो क्यों उठे भाई, तुम लोग पागल जैसा बंदूक लेके आ गए, हुआ क्या? अरे भाई बैंक में यहाँ पे भाई कोई बंदे ने डाका डाल दिया भाई। क्या डाका डाला? बैंक है, मुझे ये भी नहीं पता था यहाँ पर बैंक है। भाई यहाँ पे भाई देख के राइट साइड में भाई क्या हुआ वहाँ पर ये बताओ। अरे भाई कोई पूरा का पूरा माल लेके भाग गया यार। पूरा माल भाई ऐसे कैसे? बंदूक लेके आ रहे हैं वही तो यार। कितने लोग रहते हैं भाई? एक दर्जन से ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर, हमको क्यों कह रहे हैं तुम लोग? अरे भाई पूछ रहे यार तुम लोग क्यों इतना खोल रहे फालतू में। लेकिन मैं तुम लोग को वार्न करने आया हूँ कि मेयर का यार एक वार्निंग आया है कि तुम लोग में से कोई भी ये शहर छोड़ के अब नहीं जा सकता। मेयर तो अभी आर्मी लेने गया है। वो कहीं पे भी जाए मेयर की जात का वो मुझे बताएगा मुझे कहाँ जाना है। वही तो यार, मैं तो भाई नया आया हूँ, मैं तो किराया भी दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। मेयर यहाँ का बाप है भाई, क्या फालतू बातें कर रहे तुम लोग। ठीक है ठीक है भाई, माँ बना देंगे। चलो भाई राहुल भाई अपने दूसरे बंदों को भी वार्न करना है, चलो चलो फटाफट चलते हैं भाई अभी। भाई पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार, मुझे तो तेरे पे भरोसा है लेकिन यार तू अजीब सी बातें भी कर रहा था अभी। लेकिन यार भरोसा, साथ में हम लोग बाजू में सोए थे तो मुझे लगता नहीं है तू चोरी करने गया होगा। बस रात छोटी लगी यार मुझे नहीं समझ रहा क्या हो रहा है। जान दो यार, मैं तो जा रहा हूँ अपने काम करने के लिए, मुझे अपना वो दूसरा वाला घर भी बनाना यार, उधर है मेरा घर, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। कमाल है, मैं तो जाऊँ भाई थोड़ा देखता हूँ टाउन में क्या चालू है यार। कुछ ज्यादा ही बड़ा टाउन है और बहुत बड़े बड़े घर है यहाँ पर, तो चलते हैं भाई कुछ खाने वाने का जुगाड़ करते हैं। और ये देखो वो रहा बैंक यार, मैं सोच रहा हूँ बैंक से पहले यहाँ पे देखते क्या क्या है। ये घर देखो कितना बढ़िया है, और यार यहाँ पर ना बहुत कुछ है, जितना आप लोग देख रहे हो उससे भी खतरनाक है टाउन। और ये क्या है? ओ ये नेदर पोर्टल है भाई, दूर रहो। नेदर पोर्टल में जाने के लिए भी शायद टैक्स लेते होंगे ये लोग। यार बैम्बू फार्म भी है, बहुत सारे फार्म है। और ये है फ्लिक का घर भाई, ये गरीब का घर देखो भाई, बना नहीं अभी तक के, क्योंकि यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है और हर एक ब्लॉक के पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए ऐसा है। और ये मुझे घर थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, डॉक्टर झटका का। और ये कोई फार्म है यहाँ पर यार, सबसे इम्पोर्टेंट वो रहा वो बैंक। यार चलते है भाई थोड़ी नौकरी वोकरी लेते। लेकिन नहीं, एक सेकंड, ये क्या है भाई? वो स्नाइपर लेटे हुए लिटरली वहाँ पर, एक उस तरफ देख रहा है किस तरफ, और कितने सारे एजेंट है यहाँ पर। यार इन लोगों ने पुलिस छोड़ो सीधा एजेंट और आर्मी को रख के रखे है यार, क्या खतरनाक बैंक होगा यार। और मुझे एक बात मालूम चली थी, ये जो बैंक है ना तीन चार टाउन का बैंक है, इसलिए इनके पास इतना पैसा है। और सेफ्टी देखो इनके पास में भाई, लावा पूल रखे इन लोगों ने। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अंदर जाऊँ कि नहीं। यार एक काम करते चलते अंदर, पासवर्ड क्या पता नहीं, शायद ऑटोमेटिक खुलता होगा। ओ खुल गया, चलो चलते हैं यार। मुझे लगता है कुछ ऐसा है नहीं खतरनाक, यहाँ पर देखते क्या है। और एक सेकंड भाई, यहाँ पर तो है अच्छे लोग है वैसे तो। ओ ये तो मेयर का भाई है यार, ये मेयर का भाई क्या कर रहा है यार? कमाल है, ये बैंक में चोरी भी हो रही है, मेयर का भाई भी है इधर। भाई चोरी कैसे हो सकती है यहाँ पर यार? मेयर के भाई से पूछना चाहिए भाई चोरी किसने किया, वैसे इसको कैसे पता होगा, बेचारा बैंकर है तो। यार छोड़ो यार, इससे बाद में बात करेंगे हम लोग, अभी चलता हूँ मैं। अरे एंस्टर भाई क्या कर रहे हो इधर? अरे डैश तुम यहीं पे मिल गए, मेरे को तुम्हारा ही काम था। भाई क्या काम है यार बताओ यार? तो डैश मेरे को ना मेयर की तरफ से एक ऑफर आया है। क्या ऑफर है? काम करना चाहोगे? यार मैं पैसों की बात है तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बोलो तो यार हर चीज कर सकता हूँ मैं। देखो अभी जो भी ये पैसे गायब हुए ना, तो वो जो ढूंढ के देगा ना उसको 10% मिलने वाला है। 10%? यार एक बात बताओ, थोड़ा साइड में आओ तो, थोड़ा साइड में आओ। हाँ 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 यार, मेयर का भाई तो सुन लेगा पूरा। एक बात बताओ, ये पैसे टोटल है कितने? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़? यार मतलब 10 करोड़ मिलने वाले हैं। तो मेरा क्या काम है यार इतने बड़े काम में, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ यार, मैं जरूर करूंगा। देखो इस एसएमपी के अंदर ना मेरे को सिर्फ तुम पे भरोसा है, क्योंकि तुम मेरे पुराने दोस्त हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुमको ना एक कैमरा का एक्सेस दे रहा हूँ, तो तुम उसके ऊपर नजर रखो, और जो भी पकड़ा जाए तो मुझे आके तुरंत बता दो, ठीक है, कौन है वो बंदा। ठीक है भाई जरूर यार। देखो डैश ये है मॉनिटर, इसके अंदर तुम देख सकते हो, और कुछ भी हलचल हो तो मुझे तुरंत आके बता देना, ठीक है? ठीक है भाई, पैसे आएंगे ना उनका 50-50 कर देंगे हम दोनों। ठीक है बिल्कुल यार बिल्कुल। लेकिन एक बात और जानना चाहता हूँ यार, दोस्त तो तुम्हारे पूरे हैं लेकिन मुझ पे ऐसा क्या भरोसा है? देखो कल रात को सारे लोग रात को उठ के गए थे, लेकिन तुम ही एक थे जो एक ही जगह पे सो रहे थे पूरी रात। भाई तो सच मेरे में? को इसलिए तुम पे भरोसा। हाँ और फ्लिक भी? फ्लिक हिल के गया था यार कहीं पे तो गया था वो रात को, सब गए थे सब, तो मैं किसी पे भरोसा कर नहीं सकता यार। चलो चलो फिर एक काम करो, तुम लग जाओ काम पे, मैं भी किसको शक ना हो इसलिए यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है ठीक है भाई, जाओ जाओ। ओके ओके भाई। तो यार रात तो हो चुकी है और फ्लिक पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया, और मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है, और मुझे फ्लिक पर भरोसा नहीं है भाई, कल से पागल जैसी बातें कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस कोने पर मैं चेक करता हूँ यार, ये सही रहेगा, यहाँ पर कोई आता भी नहीं है, और ये समुद्र का एक दूसरा कोना है भाई, तो यहाँ पर कोई बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये रहा वो कैमरा, और इसमें रिकॉर्डेड फाइल भी है और लाइव फाइल भी है। भाई कमाल है, इन लोगों ने एक्सेस दे दिया मुझे, क्योंकि यार मैं भरोसे के लायक बंदा हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग चलते कैमरा मॉनिटर 1 को चेक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखेगा। ओके ये आ गई है रात की रिकॉर्डिंग, कैमरा 1 तो अंदर की तरफ है, पहले मुझे बाहर का एरिया देखना पड़ेगा। तो एक काम करते कैमरा 2 को देखते हैं यार, कैमरा 2 पर भी सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, गार्ड्स यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। कल रात को ऐसा क्या हुआ भाई यहाँ पर? यार कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा, एक सेकंड। ओ ये क्या, जूम करना पड़ेगा, रुक जाओ। ये रिकॉर्डिंग में क्या दिख गया मुझे? ओके ये कौन है, ये फ्लिक है यार? रुक जाओ, ये क्या देख लिया मैंने, ये छोटा कैसे हो गया यार? रुक जाओ थोड़ा रिवाइंड करता हूँ, नहीं यार फ्लिक है ये यार, कहाँ गायब हो गया? रुक जाओ सेकंड कैमरा यूज करना पड़ेगा। अरे जा कहाँ पर रहा है, अगली रिकॉर्डिंग देखता हूँ यार, फर्स्ट नंबर कैमरा भी रिकॉर्ड हुआ होगा यार। कहाँ गया फ्लिक? ओ हो रहा भाई, पकड़ में आ गया भाई, बच गया मैं, देखते कहाँ पर जाता है। और ये देखो भाई कहाँ जा रहा है, फिर से गायब हो गया यार।
ओके ये जा रहा है भाई, ये कैसे कर पा रहा है भाई, इतना छोटा कैसे हुआ ये यार, ये अंदर कहाँ जा रहा है? एक सेकंड, ये तो बैंक के अंदर जा रहा था यार। अब मुझे देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग नंबर 3, जल्दी से मैं देखता हूँ। और ये देखो, ये लोग तो रात भर काम करते हैं भाई। कहाँ पर है फ्लिक? यार ये रहा फ्लिक। यार रिकॉर्डिंग में तो पूरा क्लियर दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आंखें चाहिए भाई, कोई थोड़ी ध्यान देगा इतना। तो मुझे लगता है यहाँ से भी अंदर जा रहा है वो। यार ये कैमरा नंबर 4 कहाँ पर ला लिया मुझे? एक सेकंड, ये तो वॉल्ट है, और फ्लिक कहाँ पर है भाई? कहीं तो होगा यार, ये लगता आने जाने का रास्ता है। ओ कोई खुदा है भाई नीचे, ये तो फ्लिक है यार। थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। यार ये फ्लिक है ना पक्का, ये तो मुझे उसकी स्किन दिख रही है वैसे भी। यार इसलिए ये कह रहा था कि रात को ये गायब हुआ है, और ये तो अंदर ही जा रहा है भाई। यार ये तो अंदर आ चुका है। यार एक मिनट, इसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया, ये नॉर्मल हो चुका है भाई। पैसे चुरा रहा है ये भाई, कमाल है यार, ये तो पैसे लेके भाग गया। यार मैंने अपनी आंखों से क्या देख लिया, फ्लिक के पास ये टेक्नोलॉजी आई कहां से? यार मुझे समझ भी नहीं आ रहा, चुपचाप जाके सो रहा हूं मैं अभी भाई। कुछ भी हो सकता है, एक काम करता हूं, एंस्टर को कल बताऊंगा इस बारे में। और ये तो अभी भी गायब है, कहां पर गया पता नहीं। यार मैं जा रहा हूं सोने चुपचाप। यार नेक्स्ट डे हो चुका है, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एंस्टर को सच्चाई बताऊंगा कि फ्लिक ने चोरी किया है, उसको पूरे प्रूफ दूंगा, तभी वो मानेगा, क्योंकि प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। और फिर मेरे पास में आगे एक प्लान है। तो एंस्टर का होगा, आता ही होगा भाई। ओ वो रहा एंस्टर भाई, इधर आ जा यार। अरे इधर बात नहीं कर सकते ना, इधर नहीं करना यार, बहुत सीक्रेट बात है। रुक जाओ, इधर आओ यार, मैंने सीक्रेट जगह देखा, इधर पीछे साइड। ठीक है आ रहा आ रहा। तो यार ये समुंदर का साइड है, कोई सुनेगा नहीं, टेंशन मतलब कैमरा भी नहीं, क्योंकि बाना उसके पीछे कौन कैमरा लगाता है। हाँ, सही है, मैंने 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 वैसे कैमरा के सारे एक्सेस देख लिए, कहाँ कहाँ है, सही जगह पे हम लोग। तो एक काम करो, ये रिकॉर्डिंग देखो, और ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें मालूम चल जाएगा कल्प्रिट कौन है। ओके एक सेकंड, ये तो फ्लिक जैसा दिख रहा है, ये तो फ्लिक ही है, लेकिन वो छोटा कैसे हुआ? दूसरा कैमरा देखना पड़ेगा। ओ नो, ये टेक्नोलॉजी इसके पास कैसे आई? और किसी के पास भी है ये डॉक्टर झटका की टेक्नोलॉजी है, और ये फ्लिक के पास कैसे आई? ये तो बहुत सुरक्षित जगह पे रखी हुई है डॉक्टर झटका ने। भाई सुरक्षित जगह पर? यार लेकिन एक बात बता, वो सब तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में किस किस को पता है? ये टेक्नोलॉजी के बारे में मेयर, मुझे और डॉक्टर झटका, तीनों को ही पता है। ये टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता, तो फ्लिक को कैसे मालूम चला यार? किसी ने तो मुंह खुला होगा भाई, मजाक थोड़ी ना इतना छोटा होना। तो यार एक बात बताओ, मेरे पास में आगे प्लान है, लेकिन अगर मुझे वो टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो ये मैं कुछ कर पाऊंगा। टेक्नोलॉजी फिर तो डॉक्टर झटका को बता नहीं सकते ना हम लोग, हमको भी फिर चुरानी पड़ेगी ये टेक्नोलॉजी। यार वही तो, 10% चाहिए कि नहीं जो मेयर ने वादा किया था, तभी इस एसएमपी में हम लोग कुछ सर्वाइव कर पाएंगे, हम लोग इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पाएंगे वरना तो। सही है, चलो फिर कुछ करते हैं। एक काम करो, हम लोग डॉक्टर झटका के घर पे चलते हैं। चलो भाई वेट क्यों कर रहे, चलो जल्दी। तो डॉक्टर झटका का घर यही है ना, चलते भाई, अंदर होगा नहीं शायद वो। हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ भाई, दरवाजा बंद करना पड़ेगा, दरवाजा लगा दो, लॉक लगा दो यार। ऊपर जाने का रास्ता यार, ऊपर चलते पहले, यार ऊपर कुछ होगा, नीचे कौन रखता है? वैसे ढूंढना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर झटका ने बताया नहीं है ये यंत्र कहाँ पर रखा है डॉक्टर झटका ने। ये क्या है भाई, ये टेलीस्कोप है भाई? ये डॉक्टर झटका पागल है क्या? ये एस्ट्रोनॉट बनना चाहता शायद। अरे बहुत बड़े साइंटिस्ट है, तुमने नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल यार सुना हूँ मैंने नाम थोड़ा बहुत, वो भी यार आओ नीचे, तो नीचे लग रहा है मुझे कुछ। नीचे कुछ हो सकता है यार, कुछ भी नहीं मिला। एक मिनट, ओ इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या हुआ यार, क्या हुआ? ये घोष ब्लॉक है भाई, इधर घोष ब्लॉक था भाई, कौन कौन लोग यूज करते हैं? और ये कुछ रखा है इधर, ये क्या चीज है भाई, ये क्या रखा है? एक सेकंड, यही तो है जो हमको चाहिए। ये भाई निकालो जल्दी। हाँ। निकालो, मुझे यूज करना नहीं आता, तुम यूज करो और हम लोग यार चलते हैं पहले, मैं तुमको बता दो करना क्या हमें भाई। ये चीज ये देखो, हाँ ये देखो टेक्नोलॉजी देख रहे हो भाई, खतरनाक यार, ये क्या फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं यार। इसे हम छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं ना बस। हाँ हो सकते हैं यार, यूज करना तुम्हें आता है, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज की है। तुम याद होगा रिकॉर्डिंग में कि वो फ्लिक जो है वो अंदर तो गया था लेकिन बाहर निकला नहीं था, वो छोटा होकर कहीं तो भागा था। अरे हाँ, ये चीज तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद उसी के नीचे एक गटर लाइन है, उसी के थ्रू कहीं और गया होगा। भाई गटर लाइन कहाँ कहाँ पर कनेक्ट होती है ये बताओ मुझे। गटर लाइन तो बहुत सारी जगह जाती है, लेकिन एक जगह है जो की है जेल, जेल में जाती है एक गटर लाइन। जेल में? हाँ यार चलो आ जाओ, जेल चलते। जेल है कहाँ पर लेकिन मुझे पता नहीं है यार, तुम्हारे पीछे आता हूँ मैं। आ जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ। अरे फ्लिक का घर तो उतने का उतना ही है, मतलब वो अभी तक घर के काम पे नहीं आया है यार, वो होगा कहीं बाहर ही होगा। देखना, देख के चलना भाई, कहीं ना कहीं तो होगा वो। अरे टेंशन मत लो, मेरे पास गन है, उड़ा दूंगा उसको। भाई उड़ाना नहीं है यार, सारे पैसे निकालने हैं हमें। अरे एंस्टर कब से चल रहे यार, तुमने यार दिमाग खराब कर दिया। कहाँ है जेल? बस छुपाओ यार, रुक जाओ, क्रॉल करके देखते हैं यार, ऐसे देखेंगे तो पकड़ लेंगे यार। एंस्टर ये जेल में सोल्जर्स है भाई, कौन लोग है इतने खतरनाक? अरे इस जेल के अंदर तो बहुत सारे टेररिस्ट और मर्डरर्स को है ना बंद करके रखा हुआ है। ओ भाई खतरनाक है यार। तो एक बार बताओ, हम अंदर ऐसे जा नहीं सकते ना बिना अपॉइंटमेंट के? अब बारी आ चुका है ना अभी हम लोग का वो डिवाइस यूज करने का। डिवाइस ये लो, मुझे तो आता नहीं है, तुम ही पकड़ो। मैं तुम्हारा भी कर देता हूँ है ना। तो भी एक काम करता हूँ, इस मशीन में तुम्हारा भी नाम सेट करता हूँ और हम दोनों पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? अभी एक काम करो, इधर से थोड़ा साइड में आना पड़ेगा। आओ भाई आओ, जल्दी आओ यार, मुझे कुछ भी मशीन यूज करना नहीं आता है, जो करोगे तुम करोगे, तो बताओ क्या करना है? तो अभी मैं ये मशीन का ना यूज तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी एक सेकंड ना। बिल्कुल यार, जो करना है करो, पर मुझे छोटा कर दो पहले। ओके तो तुम रेडी हो ना यार? साइज छोटा करना है मुझे अपना यार, हमें घुसना भी तो है। हाँ तो अभी ये मशीन स्टार्ट होने वाला है।
3, 2, 1 ओह भाई ये क्या हुआ, सच में छोटा हो गया यार, ये पॉसिबल है लेकिन यार जंप कैसे मिलेगा, मशीन में कुछ सेट करो या जंप मिले हमें, जंप कैसे करेंगे? हाँ रुक जाओ, तुम मेरे को दिख नहीं रहे थे, अभी अभी मैं सेट करता हूँ तुम्हारा जंप। भाई इतना छोटा हो चुका हूँ मैं? अरे हाँ दिखाई नहीं दे रहे, अभी किसी चींटी के ऊपर बैठ गए तो तुमको वो अपने घर पे लेके चली जाएगी। अरे इधर देखो, इधर इधर यहाँ देखो, हाँ दिखे 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 तुम तो, अभी तुम्हारा जंप सेट कर रहा हूँ मैं। यार एस्टर किस बात का वेट कर रहे हो, छोटे हो जाओ जल्दी यार। हाँ बस मैं भी मेरा सेट कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, साइज सेम है हमारा। ओके ये क्या जंप है, ये मशीन को यहीं रहने देते हैं, वापस आके हम लोग अपना साइज ठीक कर लेंगे। ठीक है ये भी सही है यार, चलो जल्दी। ओके भाई क्या जंप कर रहे हैं हम लोग यार, जेल में जल्दी पहुंचना है यार, लेकिन हमें कंफर्म नहीं जेल में है कि नहीं वो। यार एंस्टर भाई अगर मरना नहीं है तुझे तो यार थोड़ा कोने से निकल के जाना है, जंप नहीं करना यार, थोड़ा घास के बीच से निकलना। इन लोग को हम लोग मच्छर की तरह दिखेंगे, टेंशन ना लो। अरे यार फिर भी यार रिस्क कौन लेगा भाई, उन लोगों ने नाइट विजन का गॉगल पहने, वो देखो खतरनाक है एकदम। भाई वैसे भी तूफान आ रहा है यार, गेट तो खुल जाएगा ना तूफान से। चलो जेल का गेट खोलते हैं और जेल के अंदर चलते डायरेक्ट। ओ और ये गेट भी खुला है भाई, इसको बंद करता पहले मैं। ओके ये बंद हो गया और आप देख पा रहे होंगे इतने छोटे हम लोग, अभी शायद कोई आया होगा इधर। और ये देखो पुलिस वाले यहीं पर है और देखकर भाई कैमरा भी अंदर। ओहो हम लोग दिखाई नहीं देने वाले इन लोग को यार, लेकिन यहाँ पर फ्लिक आया क्यों होगा जेल के अंदर? और ये कौन कातिल है भाई, इसकी तो आंखें भी खाली है, ये इंसान है भूत है मुझे नहीं समझ रहा है यार। पहले हम लोग ना यार एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं 3-4 जितने भी जेल है यहाँ पर, उनको पहले देखते अच्छे से कौन सा खतरनाक है, ठीक है उसके बाद ही हम लोग अंदर चलेंगे। अरे भाई खोलो मत, ओ भाई खोलोगे तो भाग जाएंगे ये लोग यार। हाँ हाँ नहीं खोल रहा, वो वैसे भी सो रहा था। अरे ये स्टीव क्या कर रहा है इधर, ये स्टीव ने यार मुझे लगा ही था यार कुछ किया होगा इसने, इसने एक विलेजर की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े। भाई बताओ ऐसा भी स्टीव है भाई, और ये कौन है भाई, ये चोर लेटा हुआ है और इसका बेड इतना बड़ा क्यों है वैसे? अरे वो क्या है ना, ये इसको दारू पीने की आदत थी तो पी के लेट जाता है हमेशा। भाई पी के हमेशा? एक मिनट तुमने कहा था ये हमेशा लेटा रहता है? हाँ यार मतलब हो सकता है कि ये पर कुछ खतरा हो यार, रुक जाओ थोड़ा खुद खुद के देखो यार, कुछ तो करना पड़ेगा हमें यार। एक सेकंड उसके बेड के नीचे मुझे कुछ दिखा यार, एक बार उसके बेड के नीचे देखो यार, ऐसा तो नहीं है कि चूहा घुसा हो, लेकिन चूहा यहाँ पर एक ही है वो है फ्लिक। यार जल्दी अंदर आओ, कुछ दिख रहा है मुझे। चलो चलो मैं खोलता हूँ गेट, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। अरे तुम खोलो भाई, मैं आता हूँ पहले अंदर से। ओके मैं घुसता हूँ पहले। ओ मैं आ गया, रुक जाओ अंदर से मैं खोलता हूँ अभी। यार कैसा आदमी है भाई ये, दो दो बार हमने इसके लिए गेट खोले, भाग सकता था जेल से लेकिन भागा नहीं। यार इधर आओ यार, इधर मैंने कुछ देखा हो, ये देखो भाई ये, ओ भाई चूहे का बिल नहीं है ये, फ्लिक का बिल है पक्का। यार अंदर जाना चाहिए, जाते रंगे हाथ पकड़ते फ्लिक, मैं गन हाथ में ले लेता हूँ। एक काम करो तुम भी ले लो, मुझे भी गन दे दो यार, मुझे भी गन की जरूरत है। ठीक है गन लेते पहले, तुम एक काम करो गन तुम पीछे रखो, मैं अच्छे जाता हूँ पहले देखते क्या होता है। और लगता है मैं और छोटा हूँ, नहीं छोटा नहीं होना पड़ेगा भाई, बहुत छोटे हम लोग पहले से। ओ ये क्या है, इधर जल्दी आओ भाई, मनी का पाइल इधर रखा हुआ है। यार हमारा शक सही था यार, एक काम करो बंदूक आगे रखो हाथ में, फ्लिक कहीं भी हो सकता है, ये फ्लिक का घर तो नहीं है यार, यहाँ पर मीटिंग टेबल है यार, ऐसा तो नहीं कि फ्लिक यहाँ पर मीटिंग करता हूँ अपने और भी बंदों के साथ। यार नीचे आते पहले, खुद पाएंगे जंप बूस्ट है। ओके डैमेज नहीं हुआ यार, ये घर को मैं अच्छे देख लेता हूँ पहले। आजू आजू क्या घर बना के रखा है यार इसने छोटा सा, भाई डस्टबिन तक है यहाँ पर और ऊपर कुछ रखा हुआ है, ये क्या है भाई, कमाल का घर है, अंदर जा नहीं सकते, लॉक होगा पक्का। हम इतने छोटे और ये घर भी इतना छोटा सा है, और लेकिन पीछे जो मनी का पाइल है यार, ये लेते हैं पहले यार, कम से कम $1 million है ये। हाँ ये अगर हाथ में लग गया ना, लेकिन एक मिनट डैश भाई, मुझे क्या लग रहा है पता है क्या, हम लोग को ये पैसे मेयर को नहीं देने चाहिए। अरे भाई पैसे देके नियत बदल गई तुम्हारी, लेकिन एक बात हो तो मेरा पहले से प्लान यही था, पैसे मेयर को क्यों देते हैं भाई, मेयर हमें 10% देगा, $1 million का 10% कितना होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है, पूरा $1 million हम रखते हैं, नाम आएगा फ्लिक का। हाँ सही है एकदम, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, पैसे तो बहुत ज्यादा चोरी हुए थे, बाकी पैसे कहाँ पर रखा इसने? अब ये तो फ्लिक को ही पता होगा, उसको बुला के उसको गन तान के फिर बुलवाना पड़ेगा सब कुछ। यार एंस्टर एक काम करो, मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी रखता हूँ, तुम ये पैसे लेकर आओ। ठीक है मैं सारे पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। यार एक सेकंड भाई, वो तो फ्लिक आ रहा है यार, ये तो और छोटा होकर आ गया इस बार यार, मुझे पता देख नहीं पाएगा ये भी हमें। यार एंस्टर फ्लिक आ रहा है वहाँ से। ओ नो, गन निकालो गन निकालो गन निकालो, इसको यही धरते है यही पे। एक गेट खोला भाई उसने, भाई हैंड्स अप इधर देख। अबे भाई तुम लोग छोटे कैसे हो गए, भागना मत कहीं पर भी, नहीं तो बहुत बड़ी गन है, खतरनाक पड़ेगी भाई, मर जाएगा एक बार में। अरे लेकिन तुम लोग छोटे कैसे हो गए और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यार तू पहले इधर कोने में आ, भाई जेलर देख लेगा हमें, जल्दी आ। अरे अंदर चलो भाई, इसको पता नहीं चलना चाहिए। भाई तूने भी जंबूस लेकर रखा है? और क्या भाई, बहुत अमीर आदमी हूँ मैं। यार तुम लोग यहाँ से घुसे? यहाँ से घुसे? यार एक बात बता फ्लिक, यार तूने इतनी बड़ी चोरी का अंजाम कैसे दिया? कौन सी चोरी यार? ये पैसे देख रहे हो मेरे हाथ में, ये तेरे $1 million जो अब हमारे हो चुके हैं। अरे भाई एक तूने कब ले लिया, लेकिन कहाँ से मिला? यार हम लोग ये पैसों के बारे में मेयर को बताने जा रहे हैं, अगर तूने बाकी पैसे कहाँ पर नहीं बताया ना तो तेरा नाम भी ले लेंगे। अरे भाई मेयर को मत बता यार। भाई क्यों ना बताएंगे हम लोग, हमें परसेंट मिलने वाला है। अरे परसेंटेज से अच्छा यार हम ही लोग रख लेते ना इसको। तो बाकी पैसे कहाँ पर है ये बता। यार बाकी पैसा मैं लेके आने वाला था यार, मैं तुमको वो दे दूंगा, बस तुम लोग ना मेयर के सामने मेरा नाम मत लेना। यार मेयर के सामने हम किसी का नाम नहीं लेने वाले यार, कितना डर गया था बेचारा। यार हम लोग नाम लेने नहीं वाले, वो जो पैसा है ना 3 लोगों में बटेगा, सबको 33% मिलेगा, ना कि वो 10%। भाई 10% को रखेगा भला, 33% रखेंगे और राज करेंगे यहाँ पर। 33 के बाद भी तो 1% बच रहा है, वो भाई हम दे देंगे गरीबों में। चलो वो भी ठीक है भाई, लेकिन मेयर को मत बता देना बस। चलो यार मैं तुमको पैसा दे देता हूँ। भाई पैसा तो यहाँ पर मत दे, पहले हम लोग जेल से चुपचाप निकलते हैं, फिर पैसे देना हमको। चलो भाई पहुंचते टाउन में, शक नहीं होना चाहिए किसी को। चलो चलो चलो। तो यार सेफली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बात बता फ्लिक, टाइम पास
मत कर हमारा यार, हमें पैसे दे यार, आपस में बांट लेते 30%। अरे यार रुक जा भाई, पैसा मैंने यहीं पे रखा है, देता हूँ तुझे, रुक जा एक मिनट। अरे यार जो पैसे है ना भाई, उसको मैंने अलग अलग जगह रखा है, एक ही जगह में थोड़ी ना रखूंगा सब, तुमको लेकिन पैसे मिल जाएंगे, उसका टेंशन मत लो। अरे तो जगह तो बता यार। अरे तुम लोग जगह जान के क्या करोगे यार, तुझे पैसे से मतलब है ना, मैं ला के दूंगा ना बाद में। बाद में नहीं, अभी ला यार, पैसे से मतलब है हमें सिर्फ, जल्दी ला। और यार एक मिनट भाई, कौन से पैसों की बातें कर रहे हो? और भाई एक मिनट यार, तुम तीन लोग यहाँ पे एक साथ क्या बातचीत चल रही है? अरे यार हम पता कर रहे हैं भाई, पैसे कहाँ गए हमारे? और हमको भाई यहाँ पे ऑलरेडी आधा पैसा मिल चुका है यार। भाई यहाँ पे मतलब कहाँ पर? अरे भाई बैंक में। और कहाँ पे यार पैसा मिल चुका है, ये क्या हुआ? और यार देखो यहाँ पे ना, हम लोग का एक खबरी था भाई, और उसने हमको दिया एक टिप, और फिर उससे हमको यहाँ पे मिल गया भाई आधे पैसे यार, लेकिन और आधे पैसे बाकी है अभी भी। हाँ यार रिकवर करना पड़ेगा यार, हमारे पैसे बैंक के, टाउन के पैसे यार। जा तो भाई, चलते हैं भाई और ढूंढते यार। अरे देखो मेरे को ना अभी नानी का कॉल आया था, तो नानी के घर पे जाना है मेरे को। राहुल भाई तो तुम जाओ, मैंने मेयर से बात कर लिया है। ठीक है भाई ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ यार। ठीक है ठीक है, ढूंढ भाई, पूरे पैसे ढूंढ लेना यार। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। अरे क्यों दूंगा भाई, भाई आधे पैसे उसको मिल चुके, मतलब उसमें से 10% राहुल ले चुका है, मतलब आधे ज्यादा मिल चुके भाई, उन्होंने गिने भी नहीं है, सीधा 10% राहुल को दे दिए और बचा हुआ पैसा बैंक में वापस है। तो यार मैं तो पैसे नहीं छोड़ने वाला हूँ यार, तुम लोगों ने फालतू पैसे के बारे में बता दिए, इतना पैसा कोई छोड़ता है? अभी तो सिर्फ $1 million है। अरे यार ये फ्लिक बता नहीं रहा यार, कहाँ पर रखे सारे पैसे बताना यार, हम जल्दी से लेके आ जाएंगे, और भी पैसे उन लोग के हाथ में चले जाएंगे, जल्दी बता। अरे यार बहुत पैसा है, मुझे खुद याद करना पड़ेगा, मैं अभी भूल चुका हूँ, अकेले में जाके लेके आऊंगा। लेकिन यार लेकिन एक बात बता फ्लिक, तुम जो पैसे लूटा था उसमें से ज्यादातर तो बैंक में चले गए होंगे, तो मैं तो सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, हम लोग बैंक में फिर से चोरी करते हैं, क्या बोलते हो? कोई सुन तो नहीं रहा ना, कैमरा भी नहीं यहाँ पर। हाँ सही है, डायरेक्ट चोरी करते हैं ना, वापस नया माल आया होगा, सब खत्म करते हैं वापस वही, और इस बार हम लेके सीधा ऐसी जगह छुपाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, टेंशन मतलब मैं बताऊंगा कहाँ पर छुपाना है। तो कल सुबह होने से पहले हम लोग चोरी करेंगे, और मैं सबकी तैयारी करने जा रहा हूँ, तो तुम लोग थोड़ी देर रेस्ट करो, और फिर मिलता हूँ मैं तुम लोग से। ठीक है ठीक है भाई, चलो यार सोने चलते हैं भाई, बहुत काम हो गया आज तो भाई, बहुत ज्यादा साइज कम ज्यादा हो चुका है, तो बेकार है भाई, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और कल चोरी करेंगे हम लोग, और ऐसी चोरी होगी और सारा पैसा इक्वली बांट लेंगे यार। फ्लिक रात भी हो चुकी है, चांद अभी अभी निकला है, तो अभी सही समय चोरी करने का। यार एंस्टर आता ही होगा, रुक जाओ कहाँ पर एंस्टर? वो देखो वो रहा भाई, आ रहा है वो, रुक जाओ तू अंदर ही रह भाई। अरे अंदर रहो अंदर रहो, कोई देख लेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, अंदर रहो मैं आ रहा हूँ। अरे लेकिन प्लान क्या है? प्लान मुझे पता है, एंस्टर को पता, टेंशन मत ले तू यार। तूने पिछली बार ये गलती किया था कि तूने आर्मर नहीं पहना था, अगर तू आर्मर नहीं पहनेगा, मुंह नहीं ढकेगा तो पकड़ा जाएगा ना, तो इस बार एंस्टर वही आर्मर लेने के लिए गया है। अरे है तो भाई, अरे भाई अच्छा ये लो भाई, ये लगा लेना। अरे फ्लिक ये क्या पहन लिया तूने? अरे भाई इसको मैंने मुंडी पे लगा के रखा है, कोई पकड़ नहीं पाएगा मुझे। अरे ये तो बहुत पुराना हो गया, अब सब पकड़े जाते हैं, इसमें नए टाइप के कैमरा लग चुके हैं, तुम्हारे फेस दिख जाते हैं उसमें। अब इसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन लाया, ये पहनो तुम लोग। भाई क्या बात है, न्यू टेक्नोलॉजी वाला आर्मर है। रुक जाओ पहले मैं ट्राई करता हूँ। ये तो सही है यार। भाई ये तो गिली सूट है, घास में भी दिखेंगे नहीं हम लोग, तो ये पूरा आर्मर सेट पकड़ो तुम लोग, और भाई पहन लो जल्दी से। यार देखो अभी बाहर मत निकलना, छोटे होने के बाद ही हम बाहर निकलेंगे, समय आ चुका है भाई छोटा करने का, जल्दी कर दो। तो रेडी हो तुम लोग? सब रेडी है, जल्दी से। ओ भाई छोटे हो गए आखिरकार हम लोग फिर से, और तीनों के तीनों हो गए, तो क्या बात है भाई, हम तीनों छोटे हो चुके हैं और जंबूस भी लग चुका है भाई, क्या डिवाइस है यार, खतरनाक यार, डॉक्टर झटका तो खतरनाक है। सीधा पहुंचते हैं भाई जेल में, और खुदो कम और घास से ज्यादा चलो यार, ये देखो हम लोग घास में ब्लेंड हो जा रहे हैं भाई इजीली। यार ये रहा वो बैंक, और चलते हैं भाई अंदर, कोई कैमरा शायद हमें कैच नहीं कर पाएगा। और ये क्या सिस्टम है यार इन लोगों का, यहाँ पर बैरियर ब्लॉक लगा के रखे, इनविजिबल ब्लॉक है भाई, खतरनाक एकदम। तो जंप मत करो भाई, दिख जाओगे, और हमें अंदर यहाँ से जाना है भाई। बियर टाइम में फंसेंगे नहीं ना यार, इतने छोटे की फंसेंगे नहीं, लगेगा मच्छर है, वैसे बियर के लिए होता है ये, बड़े बड़े जानवरों के लिए। और खैर हम लोग आ चुके हैं, और लेजर से बच के यार देखो कितने छोटे, लेजर से भी छोटे, और यहाँ से अंदर कैसे जाना है, शायद इन लोगों रास्ता बुझा दिया है। भाई मैं बहुत बार घुस चुका हूँ यार ऐसे। भाई वो तो पता है, तो चोर तो खतरनाक वाला है, अभी तो जंप बूस्ट भी है भाई हमारे पास में यार, सब कुछ पूरा टेक्नोलॉजी लेकर है, और सब बंदे यहाँ पर रेडी है, और मेयर के भाई की तरफ से चलते हैं। आ जाओ भाई, मेयर का भाई पागल है, कुछ नहीं देख पाएगा हमें, तो यहाँ से हमें जंप करना है और हम पहुंच जाएंगे ऊपर। और ये तो उधर देख रहा है भाई, जल्दी आओ उधर देख रहा है ये। यार फ्लिक क्या कर रहा है तू, नीचे जल्दी, और ये बता कि हमें जाना किधर है, ये है ना वो रास्ता जैसे तू घुसा था, मैंने देखा था कैमरा में। जल्दी आ भाई, जब देखा है तो फिर क्यों रुका है, जल्दी आ जा, कूद यहां पे, जंप करो नहीं तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे भाई गिर के, जंप करो। यार एंस्टर भी आ चुका है, फ्लिक भी आ चुका है, चलो भाई जल्दी चलते, कैमरा है यहाँ पर, लेकिन यार इनको क्या पता हम लोग घुस चुके हैं अंदर पहले ही। और पैसे है ना फ्लिक, ये देख पहले मुझे दिख रहा है कुछ हरा रहा, क्या बात है, बहुत पैसा है, आजा, बहुत पैसा, रुक जा रहा हूँ मैं। ओके भाई पहुंच गए हम लोग, और ये रहा वो पैसा, और मेरे पास एक और प्लान है भाई बाहर निकलने का, पहले पैसे लूटो सब लोग अपने अपने हिस्से का, ये तो मैं उठा रहा हूँ, क्या बात है मिल चुका है मुझे, और आगे लूटो यार। अरे लेकिन हम लोग निकलेंगे कहाँ से भाई, पिछले बार जैसे निकले तो वैसे निकलेंगे। अरे भाई वो जगह बंद हो चुकी है शायद। अरे टेंशन मत ले, मैं ये चीज लेके आया हूँ ना भाई, आयरन चीजल, थोड़ा साइड में आओ, एक काम करते, तुझे क्या लगता है फ्लिक गटर यहीं पर है नीचे? अरे इधर से ही था शायद, जल्दी खोद। रुक जा भाई, खोदना पड़ेगा अच्छे से। तो एंस्टर तुम खोदते रहो भाई, पीछे देखता हूँ मैं, और ऐसे खोद के हमें निकलना है यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, छोटा सा रास्ता बना रहा हूँ ताकि किसी को शक भी ना होगा, एकदम छोटा रास्ता बनाना भाई, चलते रहो यार, तुम वहां से बनाते रहो यार।
तक जल्दी टनल में आया, क्या कर रहा है तू? अरे मैं वेट कर रहा था यार, देख रहा था कोई आ तो नहीं रहा है वहाँ पे, जल्दी चल। जल्दी निकल यार, मैं बुझाने जा रहा हूँ यहाँ पर, और ऐसे लगेगा कि नहीं ब्लॉक कहीं पर भी लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्या लगेगा यार, फ्लिक की जगह बुझा यार, जल्दी क्या कर रहा है तू? ओके भाई बंद कर दिया, करते रहे तू, करते रहे यहाँ से, हम लोग खोदते रहते हैं। और ये देखो ये जगह इतनी सारी खोद दिया भाई तुमने। जल्दी 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 निकलना है ना हमको यहाँ से। तो यार मैं आ चुका हूँ पैसों को ठिकाने लगाकर, टेंशन मतलब मैंने पैसों को ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर कोई पता बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात भाई, किसी ने देखा तो नहीं हमें? नहीं नहीं कोई नहीं देखा यार, बहुत अच्छे से बच के आए हम लोग। चलो भाई एक काम करते हैं, चुपचाप हम तीनों बाना हाउस में सो जाते हैं। एंस्टर तुम बोल देना कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो सो जाओ भाई सब लोग। ठीक है और भाई धब्बा हो गया भाई, और एक काम करो बाहर हो, अभी तुमको लेके जाता हूँ मैं जेल में। भाई मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में राहुल क्या कर रहा है मेरे? अरे उठो भाई उठो। ओ भाई ये क्या है? अरे क्या हुआ भाई, अभी यहाँ तुम लोगों का प्लान पूरा खत्म हो चुका है। देखो अभी यहाँ पे मैं लेके आया पुलिस वालों को, लेकिन प्लान। अरे भाई अभी तुम, अरे देखो यहाँ पे मैं फालतू की बातें करने नहीं आया यार भाई, जो कुछ भी है वो अभी फेंक दो इधर। और तुम लोग ने भाई कैश को कहाँ पे रखे भाई, चुपचाप यहाँ पे मुझे बताओ। भाई कौन सा कैश यार, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ यार भाई, तुम लोग का प्लान यहाँ पे पूरा चौपट हो चुका है यार। और देखो यहाँ पे भाई मैं लेके आया बहुत सारे पुलिस वालों को, और याद रखना इनके हाथ में गन है यार, लगता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले यार। भाई काम करो जाओ और इनके हाथ में हथकड़ी पहनाओ और इनको जेल में डालते हैं। यार मुझे लगता है कुछ ना कुछ खतरनाक काम करना ही पड़ेगा, वो तो अगले एपिसोड में हो पाएगा। तो लाइक क्यों कम्प्लीट कर देना और भर भर के कमेंट करो पार्ट टू के लिए। लगता है ऐसे नहीं मानने वाले भाई। अरे अरे भाई मार, अरे भाई मार दिया भाई, ये ले भाई गन फेंक दिया मैंने।